चमक हर पैर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। अब देखिए आगे। जी क्या करता मैम, मुझे आपसे बिल्कुल बात करने का मौका ही नहीं मिला। जानती हूँ पंडित जी, मगर ये नहीं जानते कि आपने उपाय क्या निकाला है। अब मेरे सामने उनके पंडित वो मुखराम जी बैठे हुए थे, यदि मैं कुछ भी गलत कहता तो मेरे पंडित होने पे प्रश्न चिन्ह लग जाता। इसलिए आपने जो भी सही है वही किया होगा, है ना? जी क्या करता, मैं बिल्कुल मजबूर था। मैं समझ सकती हूँ पंडित जी, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई पैंतरा नहीं फेंका, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। अरे नहीं नहीं, पैंतरा तो मैंने फेंक दिया है, ऐसा पैंतरा फेंका है जिसे कर पाना आसान काम नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा पैंतरा फेंका आपने? वैसे तो मैंने सब कुछ विधि पूर्वक ही बताया है, लेकिन अपनी तरफ से केवल इतना जोड़ दिया है कि महायज्ञ के बाद यात्रा और विधि के दरमियान दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, बस। वाह पंडित जी, ये तो कमाल का पैंतरा है। आपके साथ रह के मैं भी थोड़ा कुछ सीख गया हूँ। हाँ। जब सूर्या ने फोन करके कहा कि आप कुछ तोड़ निकालने वाले हैं, मैं तो घबराई गई थी, और फिर आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपने ये जो तोड़ निकाला है ना, ये वाकई काबिले तारीफ है। जी धन्यवाद। अच्छा ये तो बताइए, ये दोनों कब जा रहे हैं यात्रा पर? महायज्ञ पूरा होते ही उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा कभी भी शुरू हो, लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा है ये इस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। विधिवत पूरा कर पाएंगे? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि हम ये कार्य विधि पूर्वक पूरा कर पाएंगे? सूर्या, बात विश्वास की नहीं, बात प्यार की है। प्यार में उमड़ने वाले उस उत्साह की है। क्या कहना चाहती हो गुड्डी? यही कि मैं तुम्हें देखे बिना एक पल नहीं रह सकती, और जब तुम साथ होगे तब मैं तुम्हें ना देखूं, ये तो नामुमकिन। तुम्हें देखे बिना मैं भी नहीं जी सकता हूँ गुड्डी, लेकिन हमें प्यार का ये इम्तिहान देना ही होगा। यही वो वक्त है जब तुम्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कठोर होना होगा। यही एक इम्तिहान है, और अगर इस इम्तिहान में तुम दोनों पास हो गए ना, तो जिंदगी भर तुम दोनों को और कोई इम्तिहान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजरेगी। यानी 7 जन्म की खुशी के लिए 7 दिन की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, और तभी 7 फेरे होंगे। बात तो तुम सारे पते की कर रहे हो। पत्ता? सूर्या, तुम किस पेड़ के पत्ते की बात कर रहे हो? हम इस पेड़ के पत्ते की बात कर रहे हैं। मैं तो पेड़ हूँ ही नहीं। शरण कहाँ है तुम्हारे? ये तो पागल है। लेकिन तुम लोग एक चीज का ध्यान रखना कि यात्रा के दौरान तुम दोनों की नजरें ना मिले। इस बात का हम क्यों ध्यान रखें? इस बात का ध्यान रखने के लिए तुम सब हो ना। यानी तुम दोनों चाहते हो कि हम सब भी तुम्हारे साथ चले? मैडम, इसका फैसला हम लोग नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग करेंगे। पर गुड्डी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना? सही है, गुड्डी की बेस्ट फ्रेंड तो मैं हूँ, है ना? ओए मैं हूँ। चुप, बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, मैं जाऊंगी। देखेंगे, देख लेना। आइए
देखो भाई, पंडित जी ने तोड़ तो निकाल दिया है कि दोनों बच्चों सूर्य और गुड्डी का जाना तय है, लेकिन इतनी लंबी यात्रा पे दोनों का जाना ऐसे अकेले में ठीक रहेगा? मैं तो कहती हूँ जी कि इनके साथ ना बच्चों को भेज दिया जाए, यात्रा की यात्रा हो जाएगी इनकी और पिकनिक की पिकनिक। ओ भाई, बच्चों को तो चख मार के भेजना ही पड़ेगा भाभी जी। क्यों? ओए, अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो सूर्य और गुड्डी की रक्षा कौन करेगा? ओ भाई, सब लोग भूल गए पंडित जी ने क्या कहा था। पंडित जी ने यही कहा था ना कि विधि के दौरान गुड्डी और सूर्य एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। तो भाई, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना दोनों के बीच में पर्दा बन के। बस इसीलिए बच्चों का जाना जरूरी है, समझे? यानी कि बच्चों को तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाना है इस बार। तो पापा जी, आप टेंशन क्यों लेते हो? हम तो बचपन से ही बहुत बड़े बड़े रोल निभाते आए हैं। क्यों? मैं कह रही थी कि इन बच्चों के साथ ना किसी बड़े का भी जाना बहुत जरूरी है। पर जाई जी, मैं तो कहती हूँ आप ही चले जाइए बच्चों के साथ, हम सबकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। हाँ सही है। लो, मैंने सुझाव दिया और मुझे ही जाने के लिए कह रही है। पाशो जी, ठीक ही तो कह रही है, आप घर की बड़ी हैं, इसी बहाने आपको भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, तो ठीक कह रहा हूँ? आपकी बात सही है, लेकिन हाँ मेरे से जाया नहीं जाता, मैं थक जाती हूँ। अब शानी तू चली जाना। अरे नहीं पर जाए जी, ये धमा चौकड़ी को कंट्रोल करना ना बाबा ना, आप ही बेस्ट रहोगे इनके साथ जाने के लिए पर जाए जी। एक मिनट, चाची ना आपको जाने की जरूरत है और ना मम्मी जी आपको। यार अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, क्यों भाई? काया जी, गुड्डी और सूर्या के साथ मुझे भी जाना होगा ना? क्यों पूजा पुत्र, तू तो गुड्डी की बेस्ट फ्रेंड है, तू नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? देखा, मैंने कहा था मेरा जाना बहुत जरूरी है। ओ हाँ, तेरा जाना तो बहुत जरूरी है भाई, ये गुड्डी और सूर्य के बीच में पर्दे का काम तो तू नहीं कर रहा है। एक मिनट भाई, वो सब तो सही है, लेकिन ये लोग जाएंगे कैसे? ये बाहर। फिर सही है। क्या? ओए कंजूस, ये भाई ट्रेन ही जा रहे हैं बस। सही है भाई, ट्रेन के सफर में मजा भी बहुत आता है। चाचू, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर एक गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो ना मजा बहुत आएगा। नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अब भाई, इन दोनों को अलग रखना है तो सूर्य आगे बैठेगा और गुड्डी पीछे, बस सॉल्व। और पंडित जी की सारी विधियां भी सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, और थोड़ी हम अपने लिए जा रहे हैं, हम तो सूर्य और गुड्डी की सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। बस इन दोनों बच्चों की यात्रा मंगल में हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओए, तुम लोग चिंता मत करो, गड्डी का इंतजाम हो गया समझो। ओए देख क्या रहे हो, तो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। क्या हार गया। चलो भाई, तुम सबका तो प्रोग्राम बन गया, लेकिन सूर्या के परिवार को भी तो खबर करना पड़ेगा ना। अरे आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उन्हें मैं खबर कर दूंगा, आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए। पंडित जी ने बताया कि सूर्या और गुड्डी की कुंडलियां मैच करने के लिए उन्होंने कुछ उपाय निकाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, बस एक बार सूर्या और गुड्डी की शादी हो जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। अब बात ये है कि अगर ये दोनों पंडित जी के कहे के अनुसार सब कुछ कर पाए, उनके उपाय के मुताबिक विधि पूर्वक सब कुछ करने में कामयाब हो जाए, तो इनकी शादी हो सके। वेरी नाइस, वेरी वेरी। लगता है उसी का फोन। देखो देखो। हाँ माँ, सूर्या बोल रहा हूँ। अरे मैं जानती हूँ बेटे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू बहुत खुश है। आपको कैसे पता कि मैं बहुत खुश हूँ? पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। चलो अच्छा ही है, आप दोनों की कुंडली मिलाने के लिए कुछ उपाय निकल आया है। हाँ माँ, पंडित जी ने तोड़ निकाल ही लिया। पंडित जी बता रहे थे थोड़े बहुत दिक्कतें हैं इस उपाय करने में। हाँ माँ, दिक्कतें तो हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ मैं और गुड्डी हर दिक्कत का सामना कर लेंगे। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना और गुड्डी का ख्याल रखना। कब निकल रहे हो आप दोनों? बस माँ, महायज्ञ के पूरा होते ही हम यात्रा पे निकल जाएंगे।
अच्छा माँ, मैंने हमारी कुंडली के मेल के लिए जो तोड़ निकालने का फैसला लिया है, उस फैसले से आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं बेटे, तुम खुश रहो, बस यही मैं चाहती हूँ। और हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई भी फैसला मुझे बुरा नहीं लगा। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। माँ अगर आप भी यहाँ मौजूद होती और हमारे साथ यात्रा पे चलती तो बड़ा अच्छा लगता। अरे कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा काम बन गया यही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जहाँ तक साथ चलने की बात है बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लव यू माँ, पापा नाना और नानी को मेरा प्यार देना।